जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल घुमंतु बाबा में। तो दोस्तों आपके लिए लेके आया हूँ एक और अनबॉक्सिंग वीडियो और डिकैथलॉन की तरफ से। दोस्तों तो आप थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे, पर फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये प्रोडक्ट कैसा दिखता है। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, पहले देखते हैं इसमें क्या निकलता है। दोस्तों MH100 फ्लीस, जो कि आपको आप देख सकते हो यहाँ पे केचुआ ब्रांडिंग की हुई है बढ़िया तरीके से, और ये है हाफ जिपर आती है दोस्तों। अभी तो ये दोस्तों हाफ जिपर फ्लीस, तो इस फुल रिव्यू देंगे दोस्तों आपको। एक इसमें ब्लू एंड ब्लैक कलर है थोड़ा मिक्स दोस्तों, एक ही ये कलर हो गया, देखिए ब्लू एंड ब्लैक चेक्स दिख रहे होंगे आपको इस पर। एक एक चीज़ बताऊँगा अंदर से इसका स्टफ कैसा है। एक ये कलर है दोस्तों, बहुत ही प्यारा कलर है दोस्तों, देख सकते हो इसका आप पूरा बढ़िया डिटेल में देखते हो चेक कितने बढ़िया तरीके से दिख रहे हैं। इसका जो कोड है डिकैथलॉन पे MH100 फ्लीस। तो अंदर से मैं इसको आपको रिवर्स करके बताता हूँ दोस्तों दोनों का अंदर से स्टप कैसा है। यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। तो दोस्तों इसकी इंटरलॉकिंग है बड़ी प्रॉपर है, अंदर से भी बाहर से भी। इसका जो स्टफ़ है इस वाले, ये ब्लू वाले का स्टफ थोड़ा उस ग्रे वाले से थोड़ा हैवी है और बढ़िया स्टफ़ है दोस्तों। देखिए अभी लिंट फ्री है दोस्तों। जो इसकी ये वाली इंटरलॉकिंग है ये जल्दी ही ख़राब हो रही है दोस्तों, हल्की हल्की यहाँ से उखड़ रही है। तो दोस्तों ये जो मुझे एक रिव्यू में आपको दे रहा हूँ कि ये वाली इंटरलॉकिंग है जो आर्म्स की, वो निकल रही है हल्की हल्की दोस्तों। इसका देखिए, इस वाले का आप स्टफ़ देख सकते हैं दोस्तों कैसा है, उससे बिल्कुल लग गया, थोड़ा हल्का भी है दोस्तों। ये 1 दिसंबर 2021 को मैंने ये लिए थे दोनों। तो दोस्तों आज मुझे 2 साल होने वाले हैं लगभग का जो फ्लीस MH100 है। तो देख सकते हैं दोस्तों मुझे इसे यूज़ करते हुए 2 साल हो चुके हैं, तो इसकी आप अभी भी क्वालिटी देख सकते हैं, कोई कलर फेड नहीं हुआ है दोस्तों, वैसा का वैसा ही अभी भी हल्का फुल्का आपको लाइट कलर दिख सकता है, पर मुझे तो अभी यूज़ करते हुए वैसे लगता है। तो दोस्तों आप फिटिंग देख सकते हो, मेरी हाइट 5.6 प्लस है हल्की सी, तो आप देख सकते हो इसकी लेंथ कितनी है यहाँ से। तो मैं आपको सजेशन करूँगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा लोग साइज़ के लिए इशू करते हैं कि आपके लिए कौन सा साइज़ बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों 5.3 तक अगर आपकी हाइट है तो आप एस साइज़ ले सकते हो, अगर 5.3 से अगर आपके ऊपर हाइट है तो आप ले सकते हो एम साइज़ 5.6 या 7 हाइट तक। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे को हल्का सा प्रॉपर फिटिंग है दोस्तों, देख सकते हो आप आर्म्स की यहाँ तक आ रही है, प्रॉपर फिटिंग है, एम साइज़ है दोस्तों मेरा ये। तो मैंने जितनी फ्लीस लिए दोस्तों एम साइज़ के, मेरे सारे फुल जिपर भी और हाफ जिपर भी, और आप देख सकते हो फिटिंग। तो ये है दोस्तों एम साइज़, तो 5.6 से अगर आपकी हाइट ऊपर है तो आप ले सकते हो एल साइज़ दोस्तों। तो साइज़ का अगर आपको इशू है बहुत बड़ा तो देख सकते हो दोस्तों प्रॉपर फिटिंग के साथ। और अभी ब्लू वाला भी आपको पहन के दिखाता हूँ दोस्तों। ये लाइट है, हल्का हल्का है, मतलब कि जो वेट होता है दोस्तों इसका हल्का है, पर जो ब्लू वाला है उसका थोड़ा इससे हैवी वेट है थोड़ा। इसका स्टफ भी अलग है दोनों चीज़ों का। हर इनकी फ्लीस का मेरे को दोस्तों एक बात पसंद आई, इनका जो फ्लीस का स्टफ़ है दोस्तों बहुत ही अलग है, सब फ्लीस का स्टफ अलग मिलेगा आपको दोस्तों। तो ये है दूसरा कलर, ब्लू कलर, ब्लू एंड ब्लैक चेक्स दिख सकते हैं आपको दोस्तों। दोस्तों एक बात बताता हूँ आपको, इसमें 5 कलर आते हैं ठीक है दोस्तों, जिसमें से 2 कलर जो मेरे पास हैं उसमें आपको ब्लैक चेक्स, बिल्कुल ब्लू नहीं है ये, इसमें हल्के हल्के चेक्स दिख रहे हैं, बाकी जो और कलर्स हैं उसमें बिल्कुल प्लेन है, कोई चेक नहीं है। तो दोस्तों इसका साइज़ भी आप देख सकते हो, तो इसका साइज़ और इसकी देखिए फिटिंग देखिए दोस्तों, थोड़ा ये हैवी है उससे, हल्का सा हैवी है, मतलब इतना हैवी नहीं बोल सकते आप, इस प्रकार का हैवी नहीं बोल सकते, मतलब कि जब आप उसको वियर करोगे और इसको वियर करोगे थोड़ा मोटा स्टफ जिसको बोलते हैं, हल्का सा नेचुरल घर में पहनोगे नॉर्मल तब आपको ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि दोस्तों फ्लीस एक बहुत ही गर्म प्रोडक्ट है। आप इसकी फिटिंग देख सकते हो थोड़ा दोस्तों, ये मेरे को हल्का सा उससे लंबा भी लगता है, हल्का सा बिल्कुल मामूली सा। तो दोस्तों मैं इसे रेगुलर यूज़ करता हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं आपको वीडियो बनाने के लिए दिखाता हूँ, मैं इसे रेगुलर यूज़ करता हूँ घर में। अभी मैंने ये वाला घर में ही पहना हुआ था, तो मैंने सोचा चलो आज रिव्यू शेयर करते हैं, 2 साल हो चुके हैं इसे तक में, जो मेरी वीडियो है सबसे ज़्यादा व्यूज़ इन्हीं फ्लीस के ऊपर है। तो दोस्तों मेरी इसमें एक दिक्कत आई, जो इसके ये इंटरलॉकिंग्स है ना यहाँ से ये उखड़ना स्टार्ट हो चुकी हैं दोस्तों, ये धागे से निकलने स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी फिटिंग देख सकते हो प्रॉपर फिटिंग है, और इसका जो जिपर है वो अभी तक बढ़िया चल रहा है दोस्तों, जो इसका जिपर है ना देखिए आप साउंड सुन सकते हैं इसमें, इसका जिपर है अभी भी फ्री है 2 साल पे। तो वीडियो अच्छी लगी, रिव्यू अच्छा लगे 2 साल का, तो मैंने आपको जेन्युइन रिव्यू दिया है, अगर आपको अच्छा लगे तो बताना दोस्तों जरूर करना, क्योंकि बिना लाइक किए आप चले जाते हो वीडियो को वॉच करके, और बहुत मेहनत लगती है दोस्तों एक वीडियो को बनाने के लिए। तो दोस्तों आपका एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है मुझे, तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें दोस्तों। आप वीडियो को अगर शेयर नहीं कर सकते दोस्तों, पर लाइक जरूर करिए अगर आप वीडियो को देख रहे हो। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू सून।